Good morning, dear students. Once again, welcome in AVM online English classes. Hope you have done the previous work. And today we are going to complete this chapter, chapter number 3, Deep Water. And before starting the remaining part, I would like to recapitulate the story till now. कि किस तरह से विलियम और डगलस जो है वो स्विमिंग सीखना चाहता है, पानी को लेकर के उसके मन में एक भय है, और जहां वो स्विमिंग सीखने के लिए जाता है YMCA पूल, वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वहां उसके साथ एक मिसएडवेंचर हो जाता है कि किस तरह से वो एक दिन अकेला जो है वहाँ पहुँच जाता है उस समय, यानी दूसरे बच्चे और कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं आया हुआ है, वो वहाँ अकेला है, डिसाइड करता है कुछ देर बाहर बैठे और दूसरे आ जाएं उसके बाद ही पूल में उतरे, एज ही हैड अ फियर इन हिज माइंड. लेकिन एक हेल्दी सा बॉक्सर टाइप लड़का आता है और आकर के उठा करके उसको जो है डीप एंड की तरफ पानी में उछाल देता है, और वहीं से फिर आगे जो है उसका जो संघर्ष शुरू हुआ दैट वी हैव रेड, कि किस तरह से, और जिस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया गया है उसका ध्यान रखेंगे बच्चे, इस तरह से उस 9 फीट को 90 फीट्स की बात की गई है, यानी कि उस समय वो 9 फीट भी जो हैं उसे 90 फीट से ज़्यादा लगते हैं. यानी कि इसी तरह से कई बार हम बहुत थके हुए हों या इस तरह की स्थिति में हों कि हमें कहीं जाना हो, हमें छोटा सा भी डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा लगे, बहुत लंबा लगे, कि पता नहीं कितनी देर में हम पहुँचेंगे, कब आएगा. तो दैट इज़ टोटली अ स्टेट ऑफ माइंड, कि एक मानसिक स्थिति बताई गई है कि वास्तव में उस समय वो किस तरह के हालात में था, कितना डरा हुआ था, उसके डर को इंडिकेट करती है ये चीज़. तो इस तरह के इन एक्सप्रेशंस का और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से उसके लंग्स जो हैं वो बर्स्ट करने को तैयार थे, उसका हेड जो है दैट वाज थ्रॉबिंग, लेग्स जो हैं पैरालाइज्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, जिस तरह से वो मूव करना चाहता है कुछ भी वैसा नहीं होता. और जो उसकी प्लानिंग थी कि वो जैसे ही बॉटम को टच करेगा, जंप लेगा, एक स्प्रिंग की तरह से ऊपर आ जाएगा, बट दैट वॉज नॉट, फेल हो गया. उसके बाद फिर एक बार नीचे जाता है, फिर वैसे ही कुछ स्थिति, लेकिन देयर वॉज नो चेंज इन हिज स्टेट, कोई चेंज नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, जस की तस स्थिति. तो अब आगे क्या कुछ है दैट वी आर गोइंग टू रीड. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर स्ट्रेंजली बड़े अजीब से तरीके से वहाँ उसे थोड़ी रोशनी जो है वो लगी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो उस ऑफुल फियरफुल जो येलो वाटर है उससे बाहर आ रहा था, तो इसलिए जब पानी से वो बाहर आ रहा है तो बाहर उसे जो है वो रोशनी नजर आती है. एटलीस्ट माई आइज वो कहता है, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी तभी उसे वो रोशनी दिखी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू कहता है, और मेरी नोज जो है वो भी पूरी तरह से बाहर थी, ऑलमोस्ट कहता है. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और कहता है फिर उसके बाद तीसरी बार फिर एक बार नीचे की तरफ वो यात्रा शुरू हो गई. कहता है इस सक्ड फॉर एयर, कहता है मैंने सक तो किया, खींचना तो चाहा एयर को सांस लेने के लिए, कहता है लेकिन मिला क्या, वाटर, पानी. येलो इस लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो पीली पीली रोशनी उसे जो नजर आ रही थी वो अब जानी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, कहता है और उसके बाद फिर मेरे सारे एफर्ट, सारे प्रयास जो थे वो स्टॉप हो गए. आई रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शांत हो जाना. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और कहता है यहां तक कि मेरी जो टांगे थी वो भी पूरी तरह से एनर्जी लेस, स्ट्रेंथ लेस फील कर रही थी, बेजान हो रही महसूस होती हैं उसे, और एक ब्लैकनेस जो है दैट स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधकार सा छाने लगता है मेरे दिमाग के ऊपर भी. इट वाइप्ड आउट फियर, और ये जो अंधकार छा रहा है दिमाग के ऊपर, यानी कि जिस समय दिमाग काम करना छोड़ रहा है तो उससे वो डर जो है वो भी वाइप्ड आउट हो जाता है, गायब हो जाता है. इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने उस टेरर को, उस भय से भी जो बड़ा आतंक है उसको, जो पूरी तरह से अपनी ग्रिप में लिया हुआ था, उस चीज़ को भी ये वाइप्ड आउट कर देता है. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई और पैनिक नहीं था, यानी कि उस स्थिति की बात की गई है जब अब उसका किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि जो माइंड है
दैट वॉज लूजिंग इट्स कॉन्शियसनेस, कि दिमाग जो है वो अपनी सचेतता खो रहा था, तो उसके साथ ऐसा होता है. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बिल्कुल शांत शांत, किसी तरह से कुछ भी नहीं. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे डरा जाए. और कहता है ये सब कुछ बहुत नाइस था. टू बी ड्राउजी, बेहोश हो जाना, सो जाना, कोई जंप करने की जरूरत नहीं है. टू टायर्ड टू जंप, कहता है थक चुका था जंप करते करते भी. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि बड़ी आराम से हल्के हल्के अपने आप को पानी के अकॉर्डिंग जो है उसमें उसके हिसाब से मूव होने देना बहुत अच्छा था. फ्लॉट करना, कि मानो वो स्पेस में फ्लॉट कर रहा हो, बाहर अंतरिक्ष में जो है वहाँ फ्लॉटिंग हो रही हो, कोई एफर्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और उसे जो है वो बिल्कुल कुछ इसी तरह की स्थिति महसूस होती है कि मानो वो अपनी माँ के आगोश में, उसके हाथों में, यानी कि एक बच्चा जिस तरह से सॉफ्ट स्मूथनेस अपनी माँ के हाथों में अपने आप को जो है सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में महसूस करता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही उसे महसूस होता है कि कोमल कोमल से हाथ जो है उसे अपने आगोश में ले रहे हैं. और कहता है मुझे सो जाना था. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. और कहता है क्रॉस टू द ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना. यानी कहता है मैंने उस ऑब्लिवियन को, फॉरगेटफुलनेस को क्रॉस कर लिया, यानी कि उसके साथ अब क्या कुछ हो रहा है, क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता. सचेतता से अचेत की तरफ. और कहता है जो जीवन का कर्टेन है वो गिर गया, यानी कि उसने ये मान लिया कि उसकी लाइफ जो है दैट हैज कम टू एन एंड. कहता है द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग. और कहता है इसके बाद मुझे नहीं पता कैसे क्या कुछ हुआ, लेकिन जो अगला अब याद है, जो आगे इसको जहां होश आया, तो ये पूल के बाहर जो अपने पेट के बल जो है लेटा हुआ है और उल्टियां कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. और कहता है जिस लड़के ने मुझे उठा करके फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन किसी ने कहा वहां, यानी कि और भी लोग जो खड़े हुए होंगे उनमें से किसी ने कहा द किड वॉज नियरली डाइड. अरे लड़का तो मर ही गया था, लेकिन अब ठीक है, बी ऑल राइट नाउ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम. किसे लॉकर रूम में, चेंजिंग रूम में लेकर के चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम. और कहता है फिर कुछ घंटों के बाद जो है मैं वापस घर गया चलकर. कहता है मैं बहुत वीक, ट्रम्बलिंग, पूरी तरह से कांपता हुआ, यानी कि जब ऐसी स्थिति हो कि डर ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा हो, तो कहता है वो जो कंप कपाहट, वीकनेस, वो पूरी तरह से थी. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड. और कहता है जिस समय मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा तो पूरी तरह से हिल गया था, कांप रहा था और चिल्लाया, रो रहा था. आई कुडंट ईट दैट नाइट. और कहता है मैं उस रात खाना भी नहीं खा सका. फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और कहता है कुछ दिनों तक तो वो लगातार वो डरावना जो डर है वो मेरे मन में बना रहा. द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी. कहता और थोड़ा भी मैं कुछ एफर्ट करता, कुछ भी करने की कोशिश करता, तो वो चीज़ें जो है मुझे पूरी तरह से अपसेट कर देती, परेशान कर देती. मेकिंग मी वॉबल इन द नीज, यानी कि घुटनों से खड़ा भी होता है तो वो घुटनों से लड़खड़ाने लगता है कि मानो उसके शरीर में जान ही ना हो, उसके पैर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. यानी जैसे कई बार कोई बहुत लंबी बीमारी के बाद और इस तरह की स्थिति में जो है अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे और उससे ना हुआ जाए, कुछ इस तरह से ही जो है बुरा हाल उसका भी था. एंड सिक टू माई स्टमक. और पेट में भी उसे जो है बीमार सा, गड़बड़ सी महसूस होती है. यानी कि ये सारी की सारी जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वॉज द मेंटल सिकनेस. ही वॉज फीलिंग सो. कहता है इसके बाद मैं कभी दोबारा पूल पर वापस नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और कहता है जहाँ तक संभव हुआ मैंने इसको अवॉइड किया, पानी को. कहता है पानी से मैं डरता था. कहता है फिर कुछ एक सालों में क्या हुआ, जब मुझे पता लगा कि द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, वाटर ऑफ द कैस्केड्स, ये जो पानी वगैरह के स्रोत होते हैं, ऊपर से पानी वानी गिरता है, जो झरने वगैरह होते हैं, जलप्रपात वगैरह जिन्हें कहा जाता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में कहता है जब मुझे पता लगा तो कहता है मैं वहाँ जाना चाहता था. और कहता है जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेन वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, ये नाम वगैरह हैं जगह के,
पॉम लेक है वहाँ नहाने की कोशिश की, ऑफ द गॉट रॉक्स, तो कहता है वो जो टेरर है वो वापस आकर के मुझे सीज कर लेता है, मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिस तरह से जैसा पूल में हुआ था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और कहता है पूरी तरह से मेरी टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं और एक आई सी हॉरर, एक भय जो है बहुत ज़्यादा, एक तो होता है थोड़ा बहुत लेकिन बहुत ज़बरदस्त जिसकी इंटेंसिटी हो, वो चीज़ें कहता है मेरे मन को जो है मुझे कुछ करने नहीं देती। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये जो हैंडीकैप्स है, हैंडीकैपनेस है, वो जो अपने आप को अपाही समझता है, जो डिसएडवांटेज है, ये उसके साथ काफ़ी सालों तक ये चीज़ें बनी रहती हैं। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉग्ड सालमन, कैनोज यानी कि ये वो जो हल्की नैरो टाइप की जो बोट्स वगैरह होती हैं उन चीज़ों के लिए बात की गई है, ठीक है, मेन लेक्स वगैरह में वहाँ जो है फिशिंग वगैरह के लिए और इस तरह की बोट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए जब वो वहाँ जाता है तो उसके साथ जो है कैसे क्या कुछ है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और ये अलग अलग जगह बताई गई हैं जहाँ कभी भी वो जो है इन जगहों पर फिशिंग के लिए या वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए गया, तो कहता है वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, कि वो डरावना जो डर है उसका पूरी तरह से उसका पीछा करता है, उसको छोड़ता नहीं है। कहता है इट रेन्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने मेरी उन फिशिंग ट्रिप्स को, मेरी कैनोइंग बोटिंग स्विमिंग की जो इच्छाएं थी उन सारी चीज़ों को पूरी तरह से रेन कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी कि उसकी वो सारी की सारी इच्छाएं, वो सारे इंटरेस्ट जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। कहता आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, कहता मैं जितना जो जतन जानता था, जो तरीके जानता था, मैंने वो सारे अपना लिए, लेकिन ये जो डर था मैं इसको ओवरकम नहीं कर सका। और कहता है फाइनली फिर आखिरकार जो है उसने क्या फैसला किया, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया, यानी कि सालों की बात की जा रही है यहाँ की, काफ़ी अब बड़ा होने के बाद की उस समय की बात है, कि मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, एक कोच को हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए। कहता है मैं स्विमिंग पूल पर गया, वहाँ 5 डे वीक जो है वो प्रैक्टिस करता है 1 घंटा प्रतिदिन, और जो इंस्ट्रक्टर था, और यहाँ देखिए जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको इस तरीके से स्विमिंग सिखाता है जो कि यानी कि एक जर्नल वे नहीं है, हम ये कहें कि भाई वो जर्नल वे है और इस तरह से स्विमिंग सीखी जाती है, ऐसा नहीं था। उसने उसके बाहर से पहले एक जो है वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट बांध दी जाती है, उस बेल्ट को एक रस्सी के साथ अटैच करके और एक पुली के ऊपर से जो है एक ओवरहेड केबल के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, और उसके रोप के एक एंड को वो पकड़ करके बैठता है, और वो उसके साथ जो है विलियम आगे पीछे जब भी जाता है, यानी कि कहीं भी किसी तरह का खतरा हो तो उसे खींचा जा सके वापस। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो ये कोई ऐसा ट्रेडिशनल वे नहीं है जिसके द्वारा किसी को भी स्विमिंग सिखाई जाती हो, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्टर है उसने उसकी उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझा कि इसके साथ वास्तव में दिक्कत क्या है और इसको उस चीज़ से कैसे रिलैक्स किया जाए, उस फियर से कैसे ओवरकम किया जाए, तो यहाँ उसके लिए एक स्पेशल जो है स्ट्रेटजी वॉज डिवाइस्ड, एक स्पेशल तरह की स्ट्रेटजी जो है उसके लिए अपनाई जाती है और इस तरीके से उसको स्विमिंग सिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसको जो है रस्सी को कभी रिलैक्स किया जाता है, उसको खींच लिया जाता है, जिस तरह की जैसी जो ज़रूरत रहती है वो उसकी हेल्प से आगे पीछे जाता है। और कहता है ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और कहता है हर बार थोड़ा बहुत जो है वो पैनिक उसे सीज करता है, और हर टाइम जब भी उसके इंस्ट्रक्टर ने उसके अपने होल्ड को थोड़ा रिलैक्स किया, उस रोप को थोड़ा हाथ जो है ढील दी, और वो जैसे ही पानी में जाता है तो उसका वापस वही ओल्ड टेरर जो है वो रिटर्न करता है, उसकी टांगें जो हैं वो फ्रोज हो जाती हैं, जम जाती हैं, बिल्कुल भी उसका कहना नहीं मानती, कि वो पैरों को हिलाना चाहता है पानी में लेकिन वो हिलती नहीं है। और कहता है 3 महीने लग गए उसकी उस टेंशन को कम होने में, बिगेन टू स्लैक। ये चीज़ सिखाने के बाद उसको फिर टुकड़ों में उसको स्विमिंग सिखाई जा रही है, उसके बाद फिर उसे सिखाया जाता है कि किस तरह से वो जो है अपने फेस को पानी के अंदर ले जाए और एक्सहेल करे, सांस को बाहर छोड़े, फिर किस तरह से अपनी नोज को ऊपर रेज करते हुए इनहेल करेगा, सांस अंदर लेगा, फिर ये ट्रेनिंग दी जाती है।
और कहते हैं मैंने इन एक्सरसाइजेस को हंड्रेड्स ऑफ टाइम सैकड़ों बार दोहराया, बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और वो जो डर था उसके टुकड़े छोटे 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 जो है उसको धीरे धीरे करके वो उसका कम होता है, उसे उतार फेंकता है। और कहता है जब भी पानी के अंदर जाता है उसका सिर तो उसे फिर थोड़ा बहुत वो जो डर है कहीं ना कहीं सताता है। और कहता है इसके बाद फिर उसने जो है मुझे नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और कहता है फिर उसने पूल के ऊपर जो है साइड में वहाँ एज के ऊपर जो है उसने वहाँ मुझे पकड़ा और कहा कि अब अपने पैरों से मैं किक करूँ। कहता है कुछ सप्ताह तक तो मैंने वैसा किया, और कहता है स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मेरे पैर जो हैं वो बिल्कुल भी काम करने से हिलने से मना कर देते थे, जैसा उसने पहले बताया है कि पैरालाइज्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ भी रही, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगे कि हाँ यहाँ कोई खतरा नहीं है, डूबेगा नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और कहता है फाइनली आई कुड कमांड देम, कि मैं उस पोजीशन में आ गया कि जहाँ मैं अपने पैरों को कमांड दे सकता था, उन्हें आदेश दे सकता था कि अब ऐसे हिलना है, अब ऐसे किक करना है पानी में, अब ऐसे चलना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर पाता है। तो दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और इस तरह से उसके कोच ने टुकड़ों में उसे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उस हर पीस में परफेक्ट हो गया तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठे मिला करके और उसे कहा गया कि अब वो तैरे। और ये स्थिति कब आई, अप्रैल में जा करके, अक्टूबर में सीखना शुरू किया उसने, और ये आप देखिए कि यहाँ 6 महीने से ज़्यादा का समय जो है उसे लग जाता है सीखने में। और फाइनली अप्रैल में उसका जो कोच है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो डिक्लेयर करता है कि नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक, ये एक स्विमिंग टाइप है, उसे जो है वहाँ स्विमिंग पूल में उसकी लेंथ को क्रॉस करने के लिए कहा जाता है पूल की, और क्राउल स्ट्रोक स्टाइल के साथ। और कहता है मैंने किया, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम पूरा हो गया था, ही हैड डन हिज जॉब। लेकिन देखिए उसके बाद भी जो हमारा कैरेक्टर है, जो ऑथर हैं, कहता है इंस्ट्रक्टर तो फिनिश हो गया था लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं फिनिश नहीं हुआ था, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कहता है लेकिन मैं अब भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अम्यूज था कि जब मैं कभी अकेला हूँगा कहीं वापस वही टेरर आकर के मुझे स्ट्रक ना करे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की, प्रैक्टिस की, आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, पूल की लेंथ को अप डाउन जो है उसको वो तैरता है, थोड़े थोड़े टीनी वेस्टिजीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़े थोड़े ही डर के कण जो हैं उसे वापस लौटते हुए प्रतीत होते हैं। कहता है बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, कहता है लेकिन मैं अभी इस स्थिति में था कि अपने बौहें तान करके अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उस डर को कह सकता था, टेरर को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, आ अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वेल हियर इज टू यू, कहता है ये रहा तुम्हारे लिए इसका जवाब, लुक, देखो। और कहता है मैं दूसरी बार जो है पूल की लेंथ को क्रॉस करने के लिए चल देता था कि मुझे डराएगा, मैं अभी इसको भी तैर के पार करके दिखाता हूँ। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और कहता है जुलाई तक यही प्रक्रिया चलती रही, वो अपने आप को टेस्ट करता रहा स्विमिंग पूल में। कहता है लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, कि मैं अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि वो टेरर जो था वो पूरी तरह से मेरा पीछा छोड़ चुका था, सो आई वेंट टू लेक, तो कहता है इसलिए मैं अब कहाँ चला गया, स्विमिंग पूल से निकल करके लेक पर पहुँच जाता है, वेंटवर्थ हेम्सपायर में, वहाँ डाइव करता है ऑफ अ डॉक एट ट्रिगस ट्रिग्स आइलैंड, और 2 मील की जो लेक है उसको क्रॉस करता है, उसके बाद स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर, और फिर जो क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जो भी जितने अलग अलग विधियाँ हैं तैरने की उनके थ्रू जो है वो ऐसा करता है। कहता है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि द टेरर रिटर्न, की वो टेरर जो है वो वापस आया, When I was in the middle of the lake, जिस समय मैं लेक के बिल्कुल बीच में था, कहता है मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बॉटमलेस वाटर, बिल्कुल इवन बॉटम भी दिखाई नहीं दे रही थी वहाँ पानी में। कहता है वो जो ओल्ड सेंसेशन थे, वही पुराने डर के जो वो थोड़े ही उसे लौटते हुए प्रतीत होते हैं, इन मिनिएचर, बिल्कुल कणों में, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। कहता है मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, What do you think you can do to me? अरे क्या सोचते हो तुम, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या करोगे? It fled and I swam. और कहता है इतना कहते ही वो डर भाग गया
और मैंने आगे तैरा। तो कहता है येट आई हैड रेजिड्यूअल डाउट्स, उसके बाद भी देखिए अपने आप को इतना टेस्ट करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी कहता है उसके बावजूद भी अब भी कुछ ना कुछ रेजिड्यूअल डाउट्स जो हैं वो मुझे अपने अंदर नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं अब भी कुछ ना कुछ कमी ना हो। और कहता है मुझे पहला अपॉर्चुनिटी मिलते ही, पहला मौका मिलते ही कहाँ चला गया, आई हरिड वेस्ट, वेस्ट में निकल गया और वहाँ ऊपर जाता है वो कहाँ, टाइटन कॉनरेड मिडोज में, कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर में, और वहाँ जाकर के अपना कैंप लगाता है, टेंट लगाता है जहाँ वॉर्म लेक है एक। और अगली सुबह कहता है स्ट्रिप्ड, अपने कपड़े उसने उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक और डाइव किया लेक के अंदर और उसको क्रॉस करता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक और फिर वापस, बिल्कुल वैसे ही जैसे डग कॉर्पोन किया करता था। ये कोई कैरेक्टर रहा होगा जिसने भी इस तरह से जो है किया होगा, उसको इंस्पायर किया है, तो वो भी जो है इसी तरह से वहाँ जा करके ऐसा कुछ करता है। अपने आप को देखिए अकेला और हर तरह के हालात में अपने आप को टेस्ट कर रहा है। इट शोज कि दैट अ पर्सन नोज हिमसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। और कहता है ऐसा कुछ करने के बाद जो आई शाउटेड विद जॉय, कि पूरी तरह से खुशी के मारे चिल्लाता है वो उसको क्रॉस करने के बाद, गिल्बर्ट पीक जो है वहां जो चोटियां हैं गिल्बर्ट की, उससे उसकी जो है इको, उसकी आवाज की जो गूंज है वो वापस सुनाई देती है वो चमक। I had conquered my fear of water, कि मैंने अपने पानी के उस भय के ऊपर विजय पा ली है। The experience had a deep meaning for me, और कहता है ये जो अनुभव है, ये जो experience था, इसका मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, और कहता है इसको सिर्फ वही लोग, जैसा पहले भी बताया है कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी इस तरह की किसी टेरर का सामना किया हो, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा हो और अल्टीमेटली उन्होंने उसको ओवरकम किया हो, कॉन्क्यर किया हो, कहता है वही लोग इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं। लगने को तो लोगों को हो सकता है कि लगे कि बहुत एक छोटी सी घटना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके असली मीनिंग को वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, कहता है डेथ से तो लोग वैसे ही डरते हैं, डेथ तो पूरी तरह से पीसफुल है, शांति शांति है डेथ में। कहता है देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कहता है टेरर कहाँ है, जो डेथ का फियर है, हमें जो मरने से डर लगता है उसी में वो भय है, अदरवाइज डेथ फियरफुल नहीं है, डेथ तो बड़ी पीसफुल है। जैसा कि रूजवेल्ट जो है वो जानते थे जब उन्होंने ये कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डरना किससे है, फियर से ही, यानी कि हम फियर से ही डरते हैं, डर से ही डरते हैं और किसी चीज़ से नहीं। और विलियम कहता है कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। और कहता है कि मैंने तो दोनों ही चीज़ें, कि सेंसेशन ऑफ डाइंग, जिस टाइम वो थर्ड टाइम नीचे जा रहा था पानी में, स्विमिंग पूल में, YMCA पूल में, तो कहता है मैंने तो डेथ के सेंसेशंस को भी फील किया कि कैसा लगता है, और टेरर कि उसका जो फियर है वो किस तरह से जो है कैसे भय उत्पन्न करता है, क्या कुछ स्थिति होती है। और कहता है जब हम बहुत ज़्यादा वो होते हैं तब हमारी जो जिंदा रहने की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, यानी कि कई बार आप, इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आप भले ही जो हैं कितने ही कमज़ोर हों, कैसे भी हों, लेकिन जब जान के ऊपर बनाती है, मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ व्यक्ति वो काम कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कि अगर मान लीजिए आप एक डबल स्टोरी थ्री स्टोरी बिल्डिंग में हैं, ऊपर हैं आप, और उसमें कुछ इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है और आपको ऊपर से कूदना पड़े, यू विल जंप विदाउट थिंकिंग इवन फॉर ए मोमेंट। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा कहा जाए तो क्या हम करेंगे, कोई भी नहीं करेगा बिल्कुल भी, नेवर। तो वही है कि कई बार जब लाइफ के ऊपर बात आ जाए और उसका फियर इतना ज़्यादा हो तो जो जिंदा रहने की इंटेंसिटी है दैट ग्रीव, वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एंड फाइनली एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और कहता है फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल रिलीज्ड, रिलैक्स्ड महसूस किया, फ्री महसूस किया, टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, कि जो रास्ते हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जिन ऊँचाइयों पर मुझे जाना है,
जिन चोटियों को मुझे फतेह करना है उस डर को साइड में रख कर के और मैं वहाँ अपनी उस मंजिल पर पहुँच सकूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर डीप वाटर, अ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय विलियम ओ डगलस एंड अ ग्रेट टीचिंग फॉर एवरीवन, ग्रेट लेसन फॉर एवरीवन। काफ़ी कुछ है यहाँ सीखने के लिए, क्या कुछ इसकी थीम कहती है, किस तरह का कैरेक्टर है, विलियम ओ डगलस का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे आप। इसके अलावा थिंक एज यू रीड में अब तक ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ हैं या आपके पास, पीछे भी इससे रिलेटेड इस तरह से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप करेंगे, ये रहे ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप सारे करें। इस चैप्टर में आगे जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की बात है ये भी आप तीनों क्वेश्चन ये लिखेंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट इसमें आप छोड़ सकते हैं, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट को छोड़ दीजिए आप, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के करेंगे, ये क्वेश्चंस ना करें, आगे ना करें, इतने क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम ओ डगलस वो जरूर लिखें आप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखेंगे। थीम चैप्टर की, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड इवन देन इफ देर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू आर फ्री टू टॉक टू मी, यू आर फ्री टू आस्क एज यू लाइक बाय मेकिंग ए कॉल और जस्ट बाय सेंडिंग अ मैसेज। कंप्लीट योर नोटबुक, बी इन हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द एडिशनल क्वेश्चंस so that your every doubt would be cleared, no problem will be there. See you in next lecture, till then have a very nice time, enjoy your life, do hard work, prepare yourself. Thank you.